अच्छा जो 6 वन है ना वो जो स्पेशल केसेस के लिए मैंने आप लोग को बताया ना, जो 5 है और 1 5 बॉलर्स के लिए, ठीक है ना। जो 4 वन है ना ये बॉलर्स के लिए डिपेंड करता है कि बड़ा बॉलर है छोटा बॉलर है। अच्छा जो 3 है, 3 ये कैनाइंस के लिए भी है, ये अपर सेंट्रल इंसाइजर्स के लिए भी है और अपर लेटरल इंसाइजर्स के लिए भी है, ठीक है ना। अच्छा जो 2 वाला प्लान है, ठीक है ना, ये लोअर इंसाइजर्स के लिए, ठीक है, ये लोअर है और ये तो स्पेशल है, ठीक है ना सर। लोअर मोलर्स के लिए, लोअर मोलर्स के लिए भी 4-5 और 5 हाँ 5 वो भी आप कर सकते हैं 4-5। अच्छा तो अभी हम मैं आप लोग से डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ कि विंगलेस और विंगर में क्यों बहुत सारे ऑपरेटर्स को वो फ़ायदा होता है ना कि विंगलेस में बहुत सारा फ़ायदा होता है कि वो विंगर वाले चले बताऊँगी। मुझे सबसे इजी क्या लगता है, अच्छा हमने कौन स्ट्रोक में लगाना है, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये इजी लगता है कि मैं रबर डैम के ऊपर क्लैंप लगा लूँ और उसके बाद फिर उसको इंसर्ट कर लूँ, ठीक है। ये मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है, ये रिंग्स में रिंग्स के साथ मैंने एंगेज किया इसको, ठीक है जी 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 बिल्कुल। विंग्स से आप ये काम भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये देख रहे हैं आप सही। अच्छा मैं अभी क्या करूँगा, व्हाट्सएप पकड़ के इसको हम पुट तक कर दीजिए। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे इसका ये ड्रॉबैक जो विंग और विंगलेस में आप लोग समझाना चाह रहा हूँ ना, इसका ड्रॉबैक ये किया है ना, अब फॉर एग्जांपल पेशेंट का माउथ ओपन है, मैं इसके माउथ में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने लगाना है 6 नंबर में ये उसमें टूथ में, ठीक है, 2-6 में मैं इसको लगा रहा हूँ। अच्छा मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ ये एक होल नज़र आ रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, जो बिगनर्स होते हैं ना वो गलती से क्या करते हैं, वो गलती से इसको 7 में भी लगा सकते हैं। अगर वो 7 में लगा दें वो 7 कैरोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 7 में कोई मसला नहीं, उसी तरह देखें 7 में कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये इस तरह इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस्ड है वो लगा सकते हैं इसको, 6 में भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब विजन जी बिल्कुल विजन को एंटर कर रही है, ठीक है ना, ये लग गया हमारे साथ, ठीक है। अच्छा अभी हम एक विंगलेस लेंगे, उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे भी एक विंगलेस सर, बाद में जब एक दफ़ा फिक्स कर दी फिर थोड़ा सा इस रबर डैम को और ऊपर वो कर दी, तीन विंग्स भी है ना सर, ये सिर्फ इतना ही कर लें। नहीं वो मैं आप लोग बताऊँ, वो इन्वर्जन होता है क्या, वो इन्वर्जन होता है, उसका क्या फ़ायदा है, अगर इन्वर्जन ना हो तो क्या होगा सर, ब्लड वगैरह जी सर लीक कर सकते हैं सर, क्यों ये क्यों करेगा, वो छोटा हो जाएगा। अच्छा विंगलेस में क्या करेंगे, अभी विंगलेस का ये तरीका होता है, ठीक है जी। अच्छा हमारा थोड़ा सा टियर हो रहा है लगा रहा है, ठीक है सर, ये अगर थिक वाला फिर टियर नहीं होगा ना जी, फिर थिक वाला टियर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये विंगलेस का तरीका आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ से इंगेज करूँगा, इसको मैं रबर डैम के शीट के नीचे से इंगेज कर रहा हूँ, ठीक है, बो के ऊपर ऐसे रबर डैम आ गई जी बिल्कुल, इसमें बो के ऊपर आ गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इंगेज कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे सारा फील्ड क्लियर है, मैं किसी भी गलतूक में नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें गलती की चांसेस बहुत कम है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसको ये करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लॉस से इसको टाइट करना है और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट जी जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो वेजिट कॉर्ड महंगा पड़ता है, उसको मैं आप लोग सर ये क्लैंप को फ्लॉस टाइट कब करते हैं सर,
क्योंकि ये तो शुरू में करते हैं स्टार्ट से वो वाली अगर आपको अपनी क्लेम्स पे भरोसा है ना, अगर आप कहते हैं अच्छी कंपनी के मैंने क्लेम्स मंगवाए हैं तो ये जल्दी नहीं टूट सकते हैं, तो आप बेशक यूज़ करें। मैं अपने क्लाइंट में यूज़ नहीं करता हूँ वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना सर। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी से आपने मंगवाएं और उसको आप यूज़ में रखते हैं, ठीक है ना, या तो आप इसने रखें दो साल के बाद आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो ज़रा बेटर हो जाते हैं, वो टूट सकता है। लेकिन मैं वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। कोई सर कुछ भी दे दे सर, कोई दे दे जी, मतलब वाले थे मजबूरी लोग तो यहाँ पे कॉलर रोल ही नहीं रहते। जी ये सबसे लास्ट में था, आप कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप करना सर। ऐसे उसमें बुक में भी लिखे होंगे, समझ गए अभी, समझ रहे विंग और विंग में क्या फर्क है जी सर। ठीक है, ये मैंने दोनों इस वजह से लगाया था कि आप लोग को समझ आएगी कुछ ऑपरेटर्स को क्यों जी होता है विंग और कुछ को विंग। और सर आइसोलेशन तो एक जैसी है, मतलब हाँ आइसोलेशन एक जैसी है, ठीक हो गया जी। अच्छा इसको भी हम निकाल लेते हैं सर। वो कैसे लगाएंगे सर? फ्रेम फ्रेम तो आसान है, फ्रेम का कोई मसला नहीं। ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट जो है इसका ना ये चिन की तरफ आएगा, ठीक है। मैंडिबल ये वाला पार्ट आइस की तरफ जाएगा और ये चिन की तरफ, ठीक है। अच्छा फ्रेम की टाइप्स बताएं कि फ्रेम क्या होगा, जो प्लास्टिक का फ्रेम है उसका ना सर। अच्छा फ्रेम जो होते हैं ना, एक होता है यंग एक बना था, उसने एक फ्रेम बनाया था, उसने उसका एक डिज़ाइन है ना वो इस तरह नहीं है, वो गोल सा जो वो थोड़ा सा इस तरह कर्व्ड है, ठीक है ना, फिर यहाँ से कर्व्ड है, फिर यहाँ से कर्व्ड है, ठीक है ना। वो प्लास्टिक का भी आता है, मेटल का भी आ सकता है, उसको यंग फ्रेम कहते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला जो फ्रेम है ना ये मेटल का फ्रेम है, ठीक है ना। अच्छा एक और फ्रेम है उसको नाइगार्ड फ्रेम कहते हैं, वो भी प्लास्टिक का बना होता है, नाइगार्ड फ्रेम, ठीक है ना। इसी टाइप का फ्रेम सर जो फ्रेम है नहीं होता डायरेक्ट से वो लास्ट में से कहते हैं। अच्छा एक और फ्रेम है उसको, वो प्लास्टिक का फ्रेम है लेकिन वो फोल्डेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगाया ना, उसकी यहाँ पे इंच लगा होता है, फोल्डेबल है। यहाँ पे मैंने लगाया ना, फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर मैंने एक्सरे करना है तो वो फोल्ड होता है इस तरह, ठीक है। फोल्ड हो क्या है तो मैं अपना एक्सरे कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से मैंने फ्रेम लगाना है। अच्छा अगर इसके साथ मैंने एक्सरे करना हो तो फिर क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने किया पेशेंट की ऑपरेशन कम्प्लीट हो गई, मैं भी इच्छा रहा हूँ कि ऑपरेशन से पहले मैं एक एक्सरे ले लूँ फिर पेशेंट का कम्प्लीट करूँ। अब पेशेंट को मैंने किया था तो मैंने क्या किया, फिर पूरा फ्रेम निकालना पड़ेगा। फ्रेम निकाल के आप एक्सरे करेंगे फिर दोबारा से फ्रेम लगाना। और सर प्लास्टिक का तो एडवांटेज ये हुआ कि फिर हम फ्रेम को नहीं निकालेंगे, फ्रेम को नहीं निकालेंगे बिल्कुल, फ्रेम के थ्रू ही आप कर सकते हैं सर। तो क्लैंप को लगे रहने से क्लैंप रखा लेने देगा सर, फ्रेम लगा, अगर फ्रेम लगा रहे आपने रेडियोग्राफ किया तो फिर क्या होगा, नज़र आएगा वो सारा, वो आपका हो सकता है ये इसके ऊपर आ रहा है तो ये जब आप एक्सरे देंगे वो आपको रूठी नज़र शेडो आ जाए, ठीक है ना। तो ये होगा डॉक्टर साहब, आप सिर्फ वीडियो बना रहे हो या समझ भी आ रहा है? आ रहा है सारा, इधर से देख रहा हूँ सर। सर ये वो वेबिनार वाला मज़ा भी ले रहे हैं, मल्टीपल टूथ का भी देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें हमने फ्रेम्स भी डिस्कस कर लिए, हमने विंग्स भी डिस्कस कर लिए, ठीक है, फ्रेम भी डिस्कस कर लिए, विंग्स भी डिस्कस कर लिए, हमने इसका पंच भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा इसका जो ये फोर्सेप होता है ये भी दो टाइप्स के होते हैं, ये वाला जो टाइप है ना आप देख रहे हैं कि इसका ऊपर एक बॉल सा बना होता है, उसके नीचे एक स्लिट होती है, ठीक है ना। ये आप अर्थ में इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई जो मिजरी ट्रेटेड हो, चाहे डिस्टली ट्रेटेड हो, चाहे कोई रोटेटेड हो, जिस तरह का भी होता है, तो आप हर तरह क्लैंप लगा सकते हैं। अच्छा इसमें दूसरा वाला था वो एंगल्ड होता है थोड़ा सा, वो आप सिर्फ उन टूथ में अप्लाई कर सकते हैं जो जिनकी अलाइनमेंट स्ट्रेट हो, जिनकी अलाइनमेंट स्ट्रेट नहीं होगी ना वो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो सर फिर एक ही होते हैं जब ये सब के लिए काम, कुछ लोग दो रखते हैं, एक नॉर्मल अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एक रोटेटेड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा और इसमें क्या रह गया सर? वो जो फ्लॉस होल में लगाते हैं इन इसके फ्लॉस है क्या बोल सकते नहीं सर, इन ही होल्स में लगाते हैं। अच्छा वो सर वो जैन रैकेट का पूछ रहे थे ना, सीजर दे मुझे कुछ सीजर सर, इसी को काट के थोड़ा जी जी वही मैं वही करना चाह रहा हूं सर। इसके अलावा जो रबर डैम के तीन मेथड देखे हैं आपने, बोला कि मतलब
ये जो 3 डिफरेंट तरीके से अप्लाई होते हैं। जी 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 वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। सर कोरोना में ये भी सुस्त हो गया नहीं, इसमें से निराश कर दिया। अच्छा इसको कोई पकड़ ले, मैं इसमें लगा दूँ। इसको आपने क्या करना है, इस तरह करके आपने इंटरडेंटल स्पेस में डाल देना है इसको। ये एज अ वेजिटेट करें, ठीक है ना। ये सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि यहाँ पे जो शीट रह रहा है सारा एक्स्ट्रा है, तो इससे आप अच्छी सी वेजिट बना के यहाँ पे लगा दें। शीट एक दफा यूज, ये तो डिस्पोजेबल है ना, जिस तरह आप ग्लव्स एक दफा यूज करते हैं। ये सर और एक जो वो नैपकिन यूज करती है, कि अगर किसी को एलर्जी है, वो वैसे पेशेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो उसके सलाइवा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो कॉर्नर ऑफ द माउथ में तो रूल हो रहा है ना, कॉर्नर ऑफ द माउथ में रूल हो रहा है, तो अगर हम वो रखें तो वो क्या करेगा, वो उसको शक करेगा सलाइवा, ठीक है ना। वो हो सकता है कि अगर वो किसी अच्छी टाइप का वो नैपकिन है ना, तो वो बिल्कुल स्मेल अप कर जाता है, वो सारा सलाइवा शक करता है, वो सलाइवा रूल नहीं हो रहा है। अच्छा ये जी यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो प्रॉपर इंटरडेंटल स्पेस में जो लास्ट वाला टूथ है उस पर लगा दें, वो उसका भी करते हैं। अच्छा अभी हम इन्वर्जन ऑफ डैम की बात करते हैं, ठीक है ना। डैम किस तरह इन्वर्ट करते हैं, और अगर हम इन्वर्जन ऑफ डैम नहीं करें ना, तो उसका नुकसान क्या होगा। इसको निकाल दें, ठीक है, ये निकाल दें। ये हो गया। अभी हम इसमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या होता है उसमें अगर इन्वर्ट नहीं हो। सर फ्लूइड जो था सर ऊपर, क्यों ये हमारा रबर डैम शीट टियर हो रहा है, जब ये पूरा टियर हो तो हम इसको शायद चेंज कर दें, ठीक है सर। एक और जगह हाँ जी, एक और भी बना सकते। अच्छा ये हो गया, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ डैम, ठीक है। ये मैंने देख रहे हैं, इसका ये प्रॉब्लम है कि मुझे पता नहीं चला मैंने 6 ये वो करना है 7 वो करना है, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने लगा दिया। अच्छा जब ये लग जाएगा ना, तो आप वो वेजिट काट के यहाँ पे लगा लें, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे क्या दिया था, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट की जगह पर अच्छा ट्यूजेट दिया था, चलिए ट्राई करते हैं ट्यूजेट से। वैसे ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट से करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। इसको ये इसकी विंग्स है ना, हमने रबर डैम को विंग के नीचे लेके जाना है, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि करते क्यों। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको विंग के नीचे नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे चीक और टंग की वजह से पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा। वो पॉजिटिव प्रेशर क्या करेगा, ये वाले जो इसके एजेस है ना, ये जब वॉल वैक्ट करेंगे, तो वो पॉजिटिव प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ना, वो जितना भी सलाइवा पेशेंट के मुँह में जमा है ना, या कोई और एरिगेंट अगर वो जा रहा है उसके मुँह के अंदर, तो ये इसके पॉजिटिव प्रेशर की वजह से वो सारा यहाँ से निकल रहा होगा, तो आप फिर रबर डैम को कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। सर जैसे बलून को प्रेस करते हैं, नहीं चीक की वजह से पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है, और ये वॉल्व एक्ट कर रहा है, उसके अंदर जितनी भी फ्लूड है ना, वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे हमने। जी जी, इसको बड़े आराम से करना है, ठीक है ना। और करना किस चीज़ से, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, ये आप देख रहे हैं उसको बिल्कुल नीचे चला गया, इसे कहते हैं इन्वर्जन सर, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ डैम, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों तरफ से बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल सील हो गया। अच्छा ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव प्रेशर एक्ट करेगा, वो भी पॉजिटिव प्रेशर, ये पॉजिटिव प्रेशर है, लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव प्रेशर है ना, ये यूजफुल पॉजिटिव प्रेशर है। इस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से जो टूथ के इर्द गिर्द है ना, एक सील बन जाएगी, ठीक है ना। जब टूथ के इर्द गिर्द सील बनेगी ना, जितना भी सलाइवा अंदर होना वो बाहर इम्पॉसिबल है, जब तक आपका डैम टियर नहीं है। अगर शीट टियर है तो वो अलग सी बात है, लेकिन इसके इर्द गिर्द से बिल्कुल नहीं निकल सकता। सर लिक्विड डैम यूज़ कर सकते हैं सर? जी जी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं से टीयर वगैरह हो तो आप लिक्विड डैम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ओल बड़ा सा ओल बना दिया है यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं जो विजिबल है, तो वहाँ पे लिक्विड रबर डैम भी यूज़ कर सकते हैं सर, उसको सील करने के लिए। जी जी, वो रेजिन पेस्ट होते हैं, उसको वो करते हैं क्योर करते हैं, 5 सेकंड के लिए क्योर करें, वो क्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल जब उसके नीचे के हैं, तो आपको पिंक नज़र नहीं आ रहा है, पिंक मीन्स हम नज़र नहीं आ रहा है, पहले नज़र आ रहे थे आपको, ठीक है। ऐसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ डैम, जी सर। एक तरफ हम लिविंग के, एक तरफ इंडेक्स के। सर
सर ये अभी मैं इस दांत को सिर्फ जो है अगर मैं एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करना चाह रहा हूँ, इस दांत का करना चाह रहा हूँ, बस सिर्फ इसी को मैंने किया, वो रिस्टोरेशन के लिए करते हैं। नहीं रबर डैम में तो ये लगाएंगे फ्रेम, ये फ्रेम इस तरह लगेगा। अच्छा फ्रेम के टाइप्स दोबारा से रिपीट करें, मुझे बताएं फ्रेम में कौन कौन से टाइप हैं। उल्टा लगा रहे हैं, नहीं उस तरफ नहीं करेंगे इसको, प्लास्टिक पर नहीं। सर ये चिन की तरफ आ रहा है ना, वो आइज की तरफ जा रहा है, इसे आपने याद रखना। उल्टा पकड़ा हुआ है ये, दोबारा उल्टा कर लेंगे सर। सर मतलब इस तरह हर एक में एंगेज करना है, इस तरह एंगेज करना है आपने, ये आप देख रहे हैं इस तरह आएगा ना। जी ठीक है ना, ये चिन की तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है सर? चिन तो यहाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। ये बाहर की तरफ होगा, ये अंदर। अच्छा हमने एक मेथड अभी जो हमने किया था ना, हमने रबर डैम को और क्लैंप को एक साथ लगाया था, अभी दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, हम रबर डैम को नहीं, हम रबर डैम को क्लैंप को फ्रेम को तीनों को एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है, तीनों को एक साथ लगाएंगे, इसको हम यूज़ करते जा रहे हैं जब तक, मतलब पाक की मेहरबानी है। ठीक है डॉक्टर साहब, तीनों को एक साथ लगा रहे हैं। अच्छा जब तीनों को एक साथ लगाते हैं फिर वो एरर का और ज़्यादा चांस हो जाते हैं, वो किसी गलत में आप लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है, अभी देख रहे हैं ये हमने क्या किया सर, तो ये पेशेंट के माउथ पे हम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते फ्रेम ऊपर आएगा मुंह के ऊपर, ऐसे ये तो मुंह की वो है, ये बाहर है, ये सारा बाहर है, तो ये सारा बाहर की तरफ आएगा। अच्छा सर ये सब बच जाएगा, ये ऐसे सर ये आंखों की तरफ जाएगा, ये चीन की तरह। अच्छा ये देख रहे हैं ना, ये फ्रेम मुंह के अंदर तो नहीं है, बाहर है सर, तो आपने ये उल्टा पकड़ा है ना, ये मैक्सिलरी टीथ है ना। अच्छा तो मैं क्या मैंडिबल में कर दूं? नहीं आप जो कह रहे हैं ये समझिया, ये मुंह से ऐसे फ्रेम वो मैं देखा हूं, मुझे आप लोग समझ आ रहे हैं? जी सर। ठीक है अभी तीनों हमने एक साथ लगा दी, ठीक है सर। ठीक है अच्छा अभी हम क्या करते हैं, पहले शीट को लगाते हैं, उसके ऊपर क्लैंप लगाएंगे। ठीक है अच्छा उसके लिए भी फिर रिंगलेस ज़्यादा बेहतर है, पहले जो आप शीट लगा रहे हैं फिर उसके ऊपर क्लैंप। सर एक क्वेश्चन है सर जी, अच्छा इसको इन्वर्ट इन्वर्ट भी कर लें। ठीक है इन्वर्ट कुछ करते हैं। ठीक है सर अगर यहाँ कैरीज हो सर, एक मिनट सर, अगर यहाँ डीप कैरीज हो तो फिर सर हमें क्रेम तो हमारे लिए वो रजिस्ट्रेशन का मसला करेगा, उसके फिर बहुत सारे तरीके हैं। ओके वो आपको पहले रिस्टोरेटिव रिस्टेब्लिश करेंगे, वो वाली चीज़ें नहीं नहीं उस उस उसका लगा दो। डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, किधर कैरीज है, निशान लगा के देखो सर यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कैरीज है सर, वाइक उसे क्लैंप भी चेंज होगा, उसमें हम ये वाला क्लैंप लगाएंगे इसको काट के, और सर यहाँ वो यहाँ इस टूथ पे इस। अच्छा इसके नीचे भी कैरीज हो सकते हैं सर, ये आप नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर कैरीज है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है बिल्कुल नीचे यहाँ पे कैरीज लगे, फिर हम क्या करेंगे सर? तो ये रिमूव कैसे करेंगे, इसके ऊपर गम्स भी आ रहे हैं, रबर डैम कैसे यूज़ करेंगे सर? जिंजिवेक्टोमी करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, जिंजिवेक्टोमी करेंगे। तीन तरीके उसके, या तो आप जिंजिवेक्टोमी कर लें, या तो मिनी इंसिजन्स देते हैं यहाँ पे, दो इंसिजन्स देते हैं सिर्फ कैरेटिनाइज्ड म्यूकोसा में, ठीक है ना, या फिर आप दो इंसिजन्स दे दें, फ्लैप को थोड़े से उठा लें, ठीक है ना, या फिर आप अपना बिल्कुल क्लैंप जो है इसको बिल्कुल नीचे जाके लगा लें, ठीक है ना, रिस्टोर करते हैं उसको। सर उसमें तो ये भी था, ठीक है जी जी, ठीक है ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, जिंजिवेक्टोमी भी कर सकते हैं और मिनी इंसिजन्स भी दे सकते हैं। सर इसे तो पेन भी होगा ना सर, पोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, कैनाल प्रोजेक्शन टेक्निक, कैनाल प्रोजेक्शन बिल्कुल, और एक ये वाला सर आप ये कैनाल पढ़िए। अच्छा ये इसको इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा कैनाल प्रोजेक्शन किस तरह करते हैं वो आप बताएंगे? तो सर नहीं समझ, स्टेनलेस स्टील क्रैन उठा के उसको प्लेस करके फिर इसे उसकी फिलिंग करेंगे, पाइप वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, फिर इसे थोड़ा हमारे पास क्राउन स्ट्रक्चर आया फिर उस पर। चलिए इन दोनों को बाद में डिस्कस करते हैं, ये जब खत्म करेंगे मुझे याद दिलाइएगा। रिवर्स टेक्निक की जिसका एक्सेस हम रूट से लेते थे समझ नहीं। अब तीसरा मेथड है सर। अच्छा अभी हम तीसरा मेथड कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। मेरे ख्याल से हमारा शीट चल रहा है तो उसको हम चलाते हैं। यस सर, इसमें और कर लेता हूँ सर। पंच जो है सर, हम लोग फ्रेम लगाने के बाद करेंगे ना सर जी, पंच पोल पंच नहीं फ्रेम के बाद करेंगे, नहीं करूँगा फ्रेम से पहले सर। अच्छा किस टूथ में करें आप लोग को समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से लोअर मैक्सी में कर लेते हैं सर, प्री मोलर। आप लोग चिन में कंफ्यूज थे, प्री मोलर कर लें जी सर। ठीक है प्री मोलर कर लेते हैं, ये मैं 3 नंबर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
सर आइसोलेशन किस सर की सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है सर जी? आइसोलेशन आइसोलेशन सबसे ज़्यादा किसकी मुश्किल होती है? यस सर टूथ। आइसोलेशन एंडो के लिए तो मुश्किल नहीं होती, रिस्ट्रोटिव के लिए मुश्किल होती है, पूरे कॉर्डन को आप आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने थर्ड मोलर आइसोलेशन के अंडर किया। अच्छा, दूसरा इसका एक तरीका ये भी है ना कि अगर आप कॉर्डन को आइसोलेट नहीं कर सकते तो उसको कहते हैं सेक्सटेंट, कम अज़ कम उस सेक्सटेंट को आइसोलेट करो। ठीक है ना, ये तो वो ये प्रीमोलर का अलहदा से एक, ठीक है ना, इंसाइजर का अलहदा से, इसका अलहदा से। अगर आप यहाँ पर किसी टूथ को कर रहे हैं तो इन चार को कर लें, यहाँ पर किसी टूथ को कर रहे हैं इन चार को कर लें, एंटीरियर में कर रहे हैं तो एंटीरियर सेगमेंट को पूरा कर लें। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सा ये? जी सर, प्रीमोलर कौन सा क्लैंप होगा? अच्छा, इसमें हम विंगलेस यूज़ करते हैं। ठीक है, विंगलेस कौन सी चीज़ें ये? ठीक है, बिल्कुल सही, ये वाला बिल्कुल सही। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले शीट लगा रहे हैं। ठीक है सर, आप जो रेजिडेंसी में प्रोसीजर करते थे वो सारे रबर डैम के अंडर? नहीं यार, सारे रबर डैम के अंडर नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता था हमें। सर हम जो पहले के जो पेशेंट्स होते थे ना, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, रबर डैम लगाना डेंटिस्ट का काम ही नहीं है, पता है? ये रबर डैम लगाना जो है आपके असिस्टेंट का काम है, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट्स को मेरा ट्यूजर प्रॉप को पता नहीं है, वो रबर डैम का लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे क्लैंप ये हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ेंगे रबर डैम को? जी जी, राइट से फॉर्सेप्स। ठीक है, ये हमने इसको लगा दिया क्लॉथ से, इनको हम और ज़्यादा इन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, ये रबर डैम के जो ये पॉइंट्स हैं ना, इनको आप लोगों ने कॉन्टैक्ट पॉइंट से नीचे लेके जाना है, और नीचे लेके जाने के तरीका ये फ्लॉस से होंगे। ठीक है ना, ये फ्लॉस से होंगे। ठीक है, तो सर ने ये तीसरा तरीका मैथड दिया है। फ्लॉस से तो सिर्फ आपने रबर डैम को इंटरनल स्पेस रिजिड कोड को वेजिंग वेज के लिए यूज करते हैं, फिर फ्लॉस को निकालना है। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ये वाले जो विंगलेस क्लैंप्स है ना, उनका फायदा एक ये है कि इन्वर्जन ऑफ डैम भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, ये ऑलरेडी डैम के नीचे है। ठीक है, ये इसका हो गया तीसरा मेथड। ठीक है, वो ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी है कि मैं उसमें शीट में क्लैंप को लगा के कर लूँ, उसके बाद फ्रेम लगा लूँ। ठीक है ना, जिस तरह आपकी प्रैक्टिस हो। जी सर, ठीक है। सर इसमें एक बार विंग वाला लगा के। अच्छा, इसमें विंग वाला लगा दो। जी, विंग वाला मुझे नहीं, प्रीमोलर का ही वाला। सर आपने खुद कोई डिफरेंस फील किया विद रबर डैम और विदाउट? नहीं, रबर डैम तो बहुत ज़बरदस्त है यार, आप आपकी लाइफ इजी हो जाती है रबर डैम से। ठीक है ना, आपको कोई परेशानी नहीं होती, पेशेंट एस्पायरेट करेगा। और सबसे इसका जो मैं आप लोग से एडवांटेजेस पूछ रहा था ना, आप लोगों ने जो इसका एक एडवांटेज मुझे नहीं बताया, वो क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल है। जी सर, ठीक है, सलाइवा से जो स्प्लैटर्स उठते हैं ना, वो रबर डैम जो है सबको रोक देता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी भी जो है सर, खासकर कोरोना की वजह, अपना क्लिनिक थोड़ा सा स्टार्ट किया था ना, तो मैं जब रबर डैम लगा था पेशेंट के नाक के ऊपर लेके जा रहा था उसको थोड़ा सा, ताकि वो जो एस्पायरेट करा वो डायरेक्ट उसमें नहीं आए। अच्छा, इन इसमें इन्वर्जन की जरूरत नहीं होती क्योंकि रबर डैम नीचे होते हैं और क्लैंप उसके ऊपर आना होता है। ठीक है, बस जिस तरह आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है, इसमें कोई एडवांटेज है जिसे मल्टीपल डिप कर सकते हैं। मल्टीपल डिप में 4 का कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा मुझे निशान लगा तो आप एक शीट उठा लें, नया शीट उठा लें, उसमें चलिए अच्छा इसमें निशान लगा लें, दो मोलर दो प्री मोलर।